नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे अलग किसी मजहब से हैं या कोई हिंदू है, जिस तरह से हम यहाँ पर सब एक हैं, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। और यही मोहब्बत है जो हमारे सिंधी हिंदू इन दो लोग एक नाम को दो कर देते हैं। तो ये तीसरी कौम है जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसका कोई कोई पहचान नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ये सिर्फ टी तक महदूद हैं, लोगों की बातों तक महदूद हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से हम यहाँ पे सब एक हैं। और हमारे सारे भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं स्टेज पे, वो इस प्रोग्राम में आए। और ये प्रोग्राम, ये दुआ भुट्टो का प्रोग्राम था, ये किसी हिंदू मिनोरिटी, ये इस तरीके से प्रोग्राम नहीं था कि मैं किसी हिंदू मिनोरिटी के प्रोग्राम में आई, नहीं, ये मेरा अपना प्रोग्राम था, ये सिंध की बेटी का प्रोग्राम था। तो मुझे, मैं अपना प्रोग्राम समझ में आई। और जिस तरीके से लास्ट टाइम मैं इनके प्रोग्राम से मैं आई थी, सारे भाई ने बहुत अच्छा अरेंज किया था, मुझे इन्वाइट किया था, और मैंने इनको कहा था आप ना भी बुलाएंगे मैं इसमें आऊंगी, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम है। और बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा है। और इसी तरीके से हमें मोहब्बत के साथ चलना चाहिए। मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी आप में से हूँ, और जिस स्टेज पे आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, गरीबों की दुआओं से, उनके जज्बे से, आप सब भी अपने दिलों से ये नफरत निकाल के, ये हिंदू सिंधी इन चीजों की बात निकाल के, हम अगर जिस दिन अहद करें कि हम एक, जिस तरीके से आज इस स्टेज पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर इस हॉल में बैठे हुए हैं, दिल से भी हम इसी तरीके से एक हो जाएं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता मोहब्बत का पैगाम देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे मैं प्रोग्राम में इन्वाइट किया। जिए सिंध, जिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिए मिनोरिटी, जिए हिंदू भाई, मैं इंसाफ।